नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। माल्या, नीरव और चोकसी पर एक्शन, 9371 करोड़ की संपत्ति बैंकों को ट्रांसफर। देश में बैंकिंग घोटालों के मामलों में सरकारी एक्शन का असर दिखने लगा है। ईडी के अनुसार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है, जिससे धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। विजय माल्या और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की 40% धनराशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री से वसूली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर कहा कि इन तीनों मामलों में बैंकों को हुए कुल नुकसान की 80.45% संपत्ति जब्त की गई है। कोरोना से राहत, एक दिन में 50,784 नए केस, एक्टिव मामले घटे। देश में एक दिन में कोरोना के 50,784 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 68,529 लोग रिकवर हुए और 1,359 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से काबू हो रहे हालात के बीच 9 राज्य चिंता बढ़ा रहे हैं। इन राज्यों में रोजाना 1,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और असम शामिल है। केरल में तो कोरोना के नए केस का दैनिक आंकड़ा 12,000 से भी ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। पहले दिन रिकॉर्ड बनाने के अगले दिन टीकाकरण में बड़ी गिरावट, टॉपर मध्य प्रदेश भी पिछड़ा। देश ने 21 जून को सर्वाधिक 85 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अगले ही दिन टीकाकरण में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली और केवल 54 लाख लोगों को ही टीके लगाए जा सके। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में ये आंकड़ा फिर भी ज्यादा है। वहीं पहले दिन 17 लाख टीके लगाकर देश में टॉप पर रहा मध्य प्रदेश भी अगले दिन टीकाकरण में पिछड़ गया और राज्य में मात्र 68,370 टीके लगाए जा सके। हरियाणा में भी दैनिक टीकाकरण में 75% की गिरावट देखने को मिली। हरियाणा 1,29,000 लोगों को टीके लगाए गए, जबकि एक दिन पहले 5,12,000 टीके लगाए गए थे। ब्रिटेन पर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का शिकंजा, अमेरिका भी आ सकता है चपेट में। देश में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पूरे ब्रिटेन को चपेट में ले लिया है। अब इस बेहद संक्रामक कोरोना स्ट्रेन का अमेरिका पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी दी कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा बन गया है। डेल्टा वेरिएंट अगर अमेरिका में ऐसे ही फैलता रहा तो इस साल के आखिर में महामारी का रूप ले सकता है। अमेरिका में अभी हर 5 में से एक कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट का है। अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर पीटर होटेज ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना के अब तक सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा संक्रामक है। कई राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली में देर से पहुंचेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट के आसपास के इलाके शामिल हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी हो सकती है। हालांकि इस साल मानसून पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे केंद्र सरकार के बड़े नाम, पर एजेंडा अब भी सीक्रेट। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सर्वोच्च अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला भी बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सर्वे सर्वा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कंगना बोली, इंडिया गुलामी की पहचान, भारत हो देश का नाम। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कंगना रनौत ने अब देश का नाम बदलने की सलाह दी है और कहा कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। इंडिया नाम ब्रिटिश लोगों ने रखा था और ये गुलामी की पहचान है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरी पोस्ट कर भारत और इंडिया के बीच का फर्क बताया और कहा कि भारत संस्कृत शब्द है। इसमें भा से भाव, र से राग और त से ताल का अर्थ निकलता है। कंगना ने लिखा कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में विश्वास कर उसी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कंगना ने सभी से वेदों, गीता और योग से जुड़ने की अपील की है।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।